2022 में यदि आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो सबसे ज्यादा माइलेज देती हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है बजाज की प्लैटिना 100। ये तो आप भी जानते होंगे, लेकिन अब कुछ नए बदलाव हो गए हैं इस बजाज की प्लैटिना 100 में, जो कि ये है 2022 का एकदम लेटेस्ट मॉडल। और वो सभी बदलाव आपको पता होने चाहिए। कुछ तो ऐसे बदलाव हैं जो कि आपके बहुत काम के हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आपके उतने काम के नहीं होंगे। और नई टेक्नोलॉजी में इसकी माइलेज पर भी असर पड़ा है। इसी के साथ साथ इस वीडियो में ये भी जानेंगे, कुछ समय से इसकी कीमत भी बढ़ गई है, कितनी कीमत बढ़ी है, और इस गाड़ी पर बजाज कितने किलोमीटर तक वारंटी देता है और कितने सालों तक वारंटी देता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेक्निकल SHT YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि इसका कंपैरिजन बहुत सारी बाइक्स के साथ में आने वाला है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं सभी के सामने एक बार फिर से 100cc के सेगमेंट की बाइक के साथ। स्टार्टिंग इसके लुक से करते हैं। ये है इस बाइक का फ्रंट प्रोफाइल और ये इस बाइक का ब्लैक कलर है। आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है इसका वाइजर जो कि ब्लैक पियानो कलर में है। यहाँ पर आपको DRL मिलते हैं। कंपनी ने इस बाइक में हेलोजन बल्ब के साथ में इसकी हेडलाइट दी है। यहाँ पर आपको नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जिसमें भी कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगा कर दिए हैं और यहाँ पर कम्फर्टेक का स्टिकर लगा है। यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी स्किड ब्रेकिंग। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। इस बाइक में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। ये है इस बाइक का फ्रंट व्हील। JK कंपनी का टायर दिया है कंपनी ने, जो कि एक ट्यूबलेस टायर है। मैं आपको इसका साइज भी दिखाना चाहूंगा, कहाँ पर लिखा हुआ है ये देखिए 2.7517। आइए साइड में आपको इसकी ब्रेकिंग सिस्टम दिखा देता हूँ, कंपनी ने क्या दिया है। CBS मिलता है इसके अंदर, इसका मतलब होता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसको मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ। इसका मतलब ये होता है, जब भी आप रियर वाला ब्रेक लगाएंगे, यानी कि पिछला वाला जब भी आप ब्रेक लगाओगे, तो आगे वाला ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, थोड़ा बहुत अप्लाई होगा, 100% नहीं, 40% होता है किसी में 50% होता है। ये है इस बाइक का टैंक, जहां पर प्लेटिना का स्टिकर लगा है। इस बाइक में आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। आइए मैं आपको इसका हैंडल भी दिखा देता हूं, जिसका डिजाइन कुछ इस तरीके का है। लेफ्ट हैंडल पर कुछ फीचर बटन मिल जाते हैं, जैसे कि यहां पर एक पासिंग स्विच मिलता है, लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है, साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है, एक हॉर्न के लिए स्विच दिया है। आइए अब मैं आपको राइट हैंडल पर दिखा देता हूँ, हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया है और एक सेल्फ स्टार्ट का स्विच दिया है। आइए गाइस अब मैं आपको इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का है। फुली एनालॉग आपको इस बाइक में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसी के साथ साथ मैं इसकी चाबी भी दिखाना चाहूंगा, जो कि कुछ इस तरीके के डिजाइन के साथ में आती है। आपको नॉर्मल चाबी मिलती है, कोई भी वेव की आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। इस बाइक के इग्निशन को भी ऑन करता हूं और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि कुछ इस तरीके का है। न्यूट्रल इंडिकेटर मिलता है और इसी के साथ साथ साइड टर्न इंडिकेटर मिलेगा, लो बीम हाई बीम इंडिकेटर मिलेगा, पासिंग इंडिकेटर मिलेगा, एक इंजन का इंडिकेटर मिलता है। लेफ्ट साइड में ऑडोमीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, राइट साइड में आपको फ्यूल गेज मिलेगा। इसके हैंडल पर जो रबर लगाई गई है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेगी। बजाज ने ये चीज एडिशनली ऐड की है कंफर्टेक के नाम से, जिसमें बजाज ने एक्चुअल में काम किया है, केवल स्टिकर लगाकर आपको नहीं दे दिया है, कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा है। ये है इस बाइक का ORVM, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके के डिजाइन में ये बाइक आती है। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं, आप लोग देख सकते हैं वैसे ही इसका जो आगे का DRL है वो जल जाता है। मैंने आपको बता दिया शायद 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। आइए वहां की बात कर लेते हैं, जहां से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की। फ्रंट में ही लेग गार्ड लगा कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा सॉलिड है, काफी अच्छी बात है। बजाज की इस प्लैटिना में आपको 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 102 यानी कि 102cc का इंजन मिलता है, जो कि ये इंजन एक FI इंजन नहीं है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.9 PS की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.3 Nm का। FI ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको इस बाइक में आज की डेट में भी कार्बोरेटर देखने को मिलता है।
आज की डेट में जिसको ज़्यादा माइलेज चाहिए और इसी के साथ साथ ज़्यादा मैकेनिक वाला झंझट नहीं चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये बाइक आज की डेट में भी एकदम परफेक्ट है। लेकिन जो लोग भी आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी चाहते हैं, उन लोगों के लिए FI सबसे बेस्ट है। इस बाइक में आपको 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है। 2022 में इस बाइक में एक एडिशनल फीचर और भी मिलता है कि आपको इस बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलता है, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी बात है। पिलियन के लिए फुटरेस्ट का भी डिजाइन चेंज कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके के पैटर्न में अब ये आता है। रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो कंपनी ने इस बाइक में हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगाकर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जिसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है। गोल्डन इसमें फिनिशिंग दी गई है। एडिशनल सेफ्टी के लिए यहाँ पर साड़ी गार्ड लगा कर दिया है। इस बाइक के सीट काउल पर 100 कंफर्ट एक को मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं। इस बाइक का सबसे एडिशनल फीचर ये है कि आपको इस सेगमेंट की बाइक में सबसे लंबी सीट इसी बाइक में देखने को मिलती है। मतलब जितनी भी बाइक आती है इस सेगमेंट में, उनमें सबसे ज्यादा लंबी सीट इसी बाइक में आपको मिलती है। और इसका ग्रैब रेल भी एकदम सॉलिड है। आइए अब मैं आपको इसका प्रॉपर रियर व्यू दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके के डिजाइन में आता है। रियर में आपको टेल लाइट मिलती है, जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है, और सिग्नल लैंप में भी कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। आइए अब मैं आपको इसका रियर टायर दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, JK कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज है 3.017 इंचेस। आइए अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट भी दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर क्रोम का मफलर लगा है। राइट साइड में भी इसके सीट काउल पर 100 कम्फर्टेक का स्टिकर लगा है। इस बाइक के सीट में आप लोग देख सकते हैं गोल्डन कलर की स्ट्रैप लगाई गई है। यहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं कुछ फाइबर का यूज किया है। और आपको इस बाइक में किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आइए अब मैं आपको इस बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसके इंजन और एग्जॉस्ट नोट को सुनाता हूँ, इसके DRL, हेडलैम्प, साइड टर्न इंडिकेटर, टेल लाइट सब कुछ जलाकर दिखाता हूँ। इग्निशन को ऑन करते ही इसका DRL जल जाता है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसमें ही एक स्विच दिया हुआ है, जहां से आप इसकी हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं मैनुअली। और ये इसके साइड टर्न इंडिकेटर भी जलाकर मैंने आपको दिखा दिए। एक व्यू मैं आपको यहां से भी दिखा देता हूं, इसके इग्निशन को ऑन कर दिया है। आइए फटाफट से अब इस बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। सेल्फ से ही स्टार्ट करेंगे, आप इसके इंजन और एग्जॉस्ट नोट को सुनिए। इस बाइक के हेडलाइट का कंट्रोल फुली आपके पास में है। आप चाहें तो इसको जला भी सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं। चाहें आप इसको इंजन स्टार्ट पर जलाएं, चाहें आप इसके इग्निशन को ऑन करते ही जलाएं, सब कुछ कंट्रोल आपके हाथ में है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा अमित एंड असित ऑटो सेल्स सर्विस को, जिन्होंने ये बाइक मुझे प्रॉपर रिव्यू के लिए प्रोवाइड की है। इनका ये शोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जसवंत नगर शहर में है, सैफई रोड पर। इनके यहाँ पर बजाज की सभी बाइक मिलती है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है, आपको यहाँ से बाइक लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके पास सभी बाइक ऑल टाइम अवेलेबल रहती है। यदि कोई अवेलेबल नहीं है तो वो आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा देंगे। इनके शोरूम का कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप बजाज की बाइक की सर्विस भी करा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस शोरूम पर जा रहे हैं, तो आप वहां पर जाकर जरूर बताएं कि मैंने टेक्निकल SHT YouTube चैनल पर वीडियो देखी थी, वो देखकर मैं आया हूं। हो सकता है आपको हमारी तरफ से कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिले। गाइस, 100cc के सेगमेंट में बहुत सारी बाइक आती हैं, उन सभी बाइक के मैंने रिव्यू किए हैं और इसी के साथ साथ उनका कंपैरिजन भी किया है। वो सभी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेटिना 110 का भी किया है और उसका कंपैरिजन भी किया है उनके कंपटीटर के साथ में, जैसे कि HF डीलक्स और होंडा की CD, होंडा की लिवो, हीरो स्प्लेंडर, हीरो पैशन प्रो, सभी के लिंक आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेटिना 100 की अगर माइलेज की बात की जाए, तो नो डाउट इस सेगमेंट में इस बाइक का सबसे ज्यादा माइलेज आता है। लेकिन एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि आज की डेट में भी इस बाइक में आपको कार्बोरेटर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका जो माइलेज है वो इसके कंपटीशन से जो है वो नो डाउट इसमें ज्यादा है। लेकिन अगर इसमें FI होता तो इस बाइक का माइलेज और भी बढ़ जाता।
आज की डेट में भी ये बाइक आपको 70 से लेकर 100 किलोमीटर पर लीटर तक भी माइलेज दे देगी। यदि आपने इस बाइक को लेने का प्लान बना लिया है तो इस बाइक के बहुत सारे लेटेस्ट एक्सेसरीज जो हैं, लेटेस्ट जो पार्ट हैं इनके, वो मार्केट में आ गए हैं। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके उनको बेस्ट ऑफर में खरीद सकते हैं। वारंटी की अगर बात की जाए तो कंपनी इस पर 5 साल की कंप्लीट वारंटी देती है और इसी के साथ साथ 75,000 किलोमीटर तक वारंटी आपको इस बाइक में मिलेगी। आइए कीमत के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 60,000 रुपए के आसपास, उत्तर प्रदेश इटावा जसवंत नगर सिटी में। RTO इंश्योरेंस चार्ज जोड़कर ये आपको लगभग 75,500 के आसपास मिल जाएगी ऑन रोड। कीमत सभी जगह की अलग अलग होती है, इस वजह से आप कीमत ये एक्चुअल ना माने, एक रफ आइडिया के तौर पर ही माने। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव वो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SST YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।